दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल सारस्वत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडिटर कुणाल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नए एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है फोटोपिया एप्लीकेशन, जिसमें आप जो फ़ोटो है वो बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हैं और उसमें कोई भी एक तरीके से बोलते हैं कि प्रीसेट डालते हैं हम लाइटरूम एप्लीकेशन से, तो आप प्रीसेट वाली जो एडिटिंग है उसमें कोई भी कलर इफ़ेक्ट बहुत जल्दी डाल सकते हैं, बहुत आसानी से डाल सकते हैं और बहुत ही इसमें एडिटिंग करना सिंपल है। एक तरीके से देखा जाए तो लाइटरूम और पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के मुकाबले इसमें आप बहुत आसानी से फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो हमारा एप्लीकेशन है फोटोपिया, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप जब इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होंगे तो आपको अपना जो मोबाइल डाटा है वो ऑन रखना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही काम करता है, बिना ऑनलाइन ये काम नहीं करता। ऑनलाइन इसको ओपन करने के बाद में आपको सिंपली फाइल पे क्लिक करना है और जो ऊपर आ रहा है ये सेकंड ऑप्शन पे ओपन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो भी फ़ोटो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो फ़ोटो आप सिलेक्ट करें। जैसे मेरे को ये इस फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है, तो हमें इसमें केवल कलर रिटचिंग करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि लेयर पे जाना है। लेयर पैनल पे जाने के बाद में जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है ये, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है चैनल मिक्सर का, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। आपको कुछ नहीं करना, केवल जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप वैसी ही एडिटिंग करना चाहते हैं तो जो मैं बता रहा हूँ केवल आप उसी पर ध्यान दें। ऊपर आप देख रहे होंगे कि चैनल मिक्सर के नीचे एक रेड लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको आप ब्लू पे सिलेक्ट करेंगे और जो इसमें नीचे ऑप्शन आ रहे हैं रेड ग्रीन ब्लू टोटल वगैरह, इस पर आप ग्रीन जो है उसको आप 100 प्लस में कर देंगे। 100 प्लस में करने के बाद में जो आपका नीचे ग्रीन के ब्लू ऑप्शन आ रहा है इसको आप 100 माइनस कर देंगे, ठीक है, इसको बिल्कुल जीरो पे कर देंगे। आप जीरो पे करने के बाद में पैनल को ऑफ कर देंगे, प्रो पे क्लिक करेंगे तो आप जो है पैनल आपका ऑफ हो जाएगा। देखिए पहले से कितना चेंज आया है फ़ोटो में, और एक दो क्लिक में केवल फ़ोटो में इतना चेंज आ गया है। आप सोचिए कितना आसान है इसमें एडिटिंग करना। लेयर पे आप क्लिक करेंगे, लेयर पे क्लिक करने के बाद में फिर से आपको वहीं थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ह्यू सैचुरेशन का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। मास्टर पे क्लिक करेंगे, सियान को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आप देखेंगे कि आप यहाँ पे अगर कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपका फ़ोटो का कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, लेकिन हमें इसको रखना है इसी कलर पे। उसके बाद में आप सैचुरेशन को अगर बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं तो बढ़ाना चाहता हूँ। और अगर आप लाइटनेस इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इसका जो कलर है वो माइनस हो जाएगा बिल्कुल, और अगर इसको आप बिल्कुल कम कर देंगे तब भी वो माइनस हो जाएगा। आपको केवल उतना रखना है जितना आपके फ़ोटो के हिसाब से ठीक रहा हो। इसको हो गया, ये सैचुरेशन हल्का सा और बढ़ाएंगे, उसके बाद में पैनल को ऑफ़ कर देंगे। पैनल को ऑफ़ करने के बाद में दोस्तों आपको लेयर पे जाना है, क्योंकि थोड़ा फ़ोटो में थोड़ा सा डल आ रहा है इसमें। इसको आप जो थर्ड ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है ग्रेडियंट मैप, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपका फ़ोटो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, लेयर पे जाना है और जो यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड है इसका नॉर्मल आ रहा है, इसको आप जाकर कर देंगे सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर देंगे और पैनल को ऑफ करेंगे। देखिए ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो हमें फिर से लेयर पे जाना है। ओपेसिटी को जो है इसकी हम 50 से नीचे रखेंगे, तो इसको मैं 40 रख देता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, ये देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यारा अच्छा फ़ोटो हमारा एडिट हो गया है। और अगर आप यहाँ पे बहुत सारे इसमें एप्लीकेशन में आप काम कर सकते हैं, जैसे इसमें और कोई PNG ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि आप इसमें PNG कैसे ऐड कर सकते हैं, दूसरा कोई फ़ोटो एडिटिंग, मतलब वो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस जो PNG ऐड करने वाला है ऑप्शन है, उसके लिए मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप चैनल पे देख सकते हैं जाके। तो आपको यहाँ पे सेव करने के लिए कुछ नहीं करना है, फाइल पर क्लिक करना है और जो ये नीचे आ रहा है एक्सपोर्ट एज़ पे क्लिक करेंगे, आपको फ़ोटो किस
में डाउनलोड करना है PNG, JPG, SVG, GIF या फिर PDF, वो यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाता है, आपको JPG पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ आपका ऐसा इंटरफेस आएगा, तो क्वालिटी इसमें जो है 70 दे रखी है, इसको हम 100 कर देंगे, उससे आपका जो फ़ोटो है बहुत अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो सेव होगा। उसके बाद में आप सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ नीचे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो हो गया है दोस्तों सेव। तो देखिए इसमें काफ़ी मुझे लगा कि इसमें जो पिक्सआर्ट या लाइटरूम एप्लीकेशन के मुकाबले इसमें फ़ोटो एडिटिंग करना बहुत आसान है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर देना वीडियो, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।